नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर में कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन से आप मकान को बना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर आप उसको चौकोर डिज़ाइन उसमें दे रहे हो पूरे मकान के अंदर, और ऊंची ऊंची विंडोज़ आप बना रहे हो, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अगर बना रहे हो, जिस तरह की इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, ये ऊंची ऊंची विंडो इसमें दे रखी हैं, 12 फुट 12 बाई 15 का पूरा विंडो है। तो इस तरह के अगर मकान आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें फॉल सीलिंग आप इस तरह की यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं इस फॉल सीलिंग में ये वॉल है, वॉल के बाद फिर एक पट्टा डिज़ाइन किया है, उसके बाद फिर एक पिट डिज़ाइन किया है, उसके बाद फिर एक उसी लेवल पे ये है, फिर एक लेवल पे ये है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये दिखाई देती है। जब इसके ऊपर आप सोनेट वाइट अगर आप पेंट कर देंगे, उसके बाद इसकी जो चमक होगी, और ये वाइट सेम कलर आप वॉल पर रखेंगे और वाइट कलर की आप टाइल रखेंगे, तो ये कमरा आपको लगेगा बहुत ही बड़ा। हालांकि ये कमरा वैसे भी बहुत बड़ा है, 19 बाई 17 फुट का ये कमरा है। तो इस तरह का डिज़ाइन जो है वो आपके मकान को देगा बहुत ही एलिगेंट लुक। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन, आप भी अपने पीओपी करने वाले को ये डिज़ाइन दिखा सकते हो। पहले पट्टा, उसके बाद फिर एक पिट है, फिर दूसरे नंबर पर फिर ये डिज़ाइन है जो कि लटका हुआ है लगभग 4 इंची। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट ये डिज़ाइन है, और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वॉल्स पे भी आप पीओपी कराएं। वॉल पे जब आप पीओपी कराएंगे, इसके बाद जब इसे पुट्टी कराएंगे, तो इसकी चमक जैसे सिल्क होता है, सिल्क की तरह ये चमकेगी। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये कि जब भी आप पीओपी कराएं, आप उसमें जो भी विंडो आपके पास होगी उसमें ये पेलमेट जरूर डिज़ाइन कराएं, जैसे आप देख सकते हैं, और पूरी वॉल में वो पेलमेट दें, लेफ्ट से शुरू होके पूरा राइट तक ये पेलमेट। पेलमेट का काम होता है, इसके अंदर आप पर्दे लगाएंगे तो पर्दा दिखेगा नहीं, वो उसके अंदर छुपा हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही एलिगेंट लुक आपके कमरे को दे देगा, और जो भी आपके मकान में आएगा वो देख के बस यही कहेगा वाओ। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।